तो बच्चों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैद्युत रसायन में तुल्यांकी चालकता। लेक्चर नंबर 5 है। डिफिनीशन मैंने बहुत सारी बताई हैं बहुत ही कम समय में, मतलब बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। अगर आप उन वीडियो को अभी नहीं देखे हैं तो जाइए KSN केमिस्ट्री क्लासेस में और प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बिल्कुल प्ले लिस्ट वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाइए बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ में ही आपको सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन के भी चैप्टर मिल जाएंगे, जाइए वहाँ पर आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तुल्यांकी चालकता। देखिए तुल्यांकी चालकता को लैम्डा ई या इस तरह लैम्डा ई से प्रदर्शित करते हैं। अब डिफिनीशन क्या होगी, डिफिनीशन देख लीजिए। ये होता है लैम्डा ई बराबर होता है कप्पा के इंटू 1000 बटे एन, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर अभी तक आपने मेरा मोलर चालकता का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर मोलर चालकता आपने देख लिया, वो समझ में आ गया, तो आपको तुल्यांकी चालकता भी बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों के डिफिनीशन में ओनली 2-3 वर्ड का चेंज है, इससे ज़्यादा नहीं है। एक डिफिनीशन के साथ दूसरी आपकी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। तो डिफिनीशन क्या है, किसी विद्युत अपघट के एक मोल को, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसी विद्युत अपघट के एक मोल को 1 ग्राम तुल्यांक, एक मोल को किसी विद्युत अपघट के एक मोल को 1 ग्राम तुल्यांक में घोलने पर या विलय करने पर उस विलयन में उत्पन्न चालकता को उस विलयन के सभी आयनों में उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता, डिफिनेशन मुझे मोलर चालकता की याद आ गया, तुल्यांकी चालकता कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या बनेगी, किसी विद्युत अपघट के एक मोल को 1 ग्राम तुल्यांक में घोलने पर उस विलयन के सभी आयनों में उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो लैम्डा ई से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं तुल्यांकी चालकता को, और इसका जो इकाई होगा, इसकी जो इकाई है, बस मोलर चालकता में क्या था, वहाँ था ओम इनवर्स, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर, वहाँ मोल इनवर्स हो रहा था, वो यहाँ क्या होगा, तुल्यांक इनवर्स, बस इतना होगा। मोल इनवर्स की जगह बस इतना यूज कर लेंगे तुल्यांकी चालकता में, तुल्यांक इनवर्स। तो ये इसकी इकाई है। पेपर में हर चैप्टर की क्या होता है, वहाँ पर चैप्टर कह रहे हैं हर टॉपिक की कोई ना कोई आपसे कंपटीशन में या किसी तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मोलर चालकता की इकाई बताइए, तुल्यांकी चालकता की इकाई बताइए, चालकत्व की बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध की बताइए। तो ये सब चीज़ें आपसे इकाई मतलब इसके मात्रक को पूछ सकता है, तो वहाँ पर आप आसानी से उन चीज़ों को लिख के आएंगे। तो तुल्यांकी चालकता की डिफिनेशन समझ में आ